लोगों को मैंने कर दिया, कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी थी कुछ और जानने की, तो हमने कहा भाई फूल की बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आज का मुद्दा है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, जो आप लोग पहले से ही वाकिफ होंगे कि ये दो दो बार उद्घाटन क्यों हो रहा है। ये मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ होते हैं, और अलबत्ता तो ऐसा था इस गवर्नमेंट में कि जो ये 11 सड़क भी हम अभी देश के लाए हैं, ये सब चली गई थी दूसरे क्षेत्रों में। अब आप समझ सकते हैं, अपने हिसाब से हम तो यही कहेंगे दूसरे क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र के अपनी सामान पार्लियामेंट दूसरे पार्लियामेंट में चली गई या पार्लियामेंट्री, सब अपने साथी दोस्त ही हैं, लेकिन जहाँ तक जब ऊपर बात आती है सत्ता में बैठे लोग जो कर रहे थे तो वो एक तरफ कर लेना चाहते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सके अपने खाते में, जैसा हो रहा है एक पक्षी तक। तो बहुत मुश्किल के बाद लड़ाई बड़ाई लड़ करके दिल्ली से लखनऊ से 3 बार, लखनऊ भी मुझे आना पड़ा है इसके लिए नोटिस सिंह जी, और शायद अगर मोती सिंह जैसे मिनिस्टर नहीं होते हमारे जानने वाले तो शायद ये 11वीं नहीं मिलती। मोती सिंह जी देखो भाई, यहाँ तो हम थोड़ा उनकी जाए, और मोती सिंह जी को लेकर के किसी के मन में कोई हो, हम तो अपने काम से काम रखते हैं। यहाँ ये ज़रूर कहूँगा, जिस आदमी ने ये दिया है जो उत्तर प्रदेश से वहाँ से आती है ना, चलती है उसके बीच से लखनऊ से होते हुए पास करती है सड़कों का सिलसिला, तो हम उनसे मिले, अपनी बात को मैंने रख कर दी। 100 अगर चीज़ है तो 50-50 नहीं होता, तो 60-40 हो जाए, 70-30 हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो कि 95-5 हो। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब मैं कुछ करूँगा, और बड़े इज्जत के साथ उन्होंने कहा कि मैं कुछ आपके लिए कुछ करूँगा आपके क्षेत्र के लिए। तब ये 11 सड़कें आई आप समझ ना इसके बैठे, और जिन लोगों ने जा करके एक तरफा इसका उद्घाटन कर दिया, उनसे कभी सवाल तो और अनौपचारिक रूप से पूछेगा कि इसके लिए आपने कहाँ कहाँ कोशिश की थी ज़रा बताएं। अगर वो आपसे झूठ भी बता देंगे कि वो यहाँ यहाँ गए थे तो भी मैं उसको मान लूँगा। अब आगे आइए उद्घाटन के, देखिए हर चीज़ का एक नियम कानून कायदा होता है, शासनादेश होता है, और आपको अभी मैं वो लाओ भाई कहाँ इसकी एक कॉपी दे देंगे चाहे तो फोटो। अब ये ऊपर का नंबर वंबर शासनादेश देखते हुए दिनांक कितने का, सड़कों के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों के निर्माण में बिना किसी अपवाद के क्षेत्रीय सांसद से शिलान्यास कराया जाएगा। आप देख रहे हैं ना, फिर नीचे फिर लिखा है वही चीज कि ये मुख्य अतिथि है, जहाँ तक कौन इसका शिलान्यास करेगा इस योजना के अंतर्गत सड़कों का, ये शासनादेश जो सरकार उत्तर प्रदेश सरकार कर दिया। अरे भाई वो चिट्ठी नहीं लाए,
जो हमने पीएम को कॉपी लिखी एक्सचेंज को लिखा है और पीएम को लाओ उसको भी लाओ है पार्टी पहले तो डीएम और डीएम और एक्सचेंज ही पहले जिम्मेदार सीडीओ नहीं है जिम्मेदार सीडीओ अरे वही सीडीओ सीडीओ को खिलाड़ी आदमी उत्तर प्रदेश का मंत्री है वो तो जौनपुर का भी है बनारस का भी है गाजीपुर का है तो उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम जिस विभाग के मंत्री हो तो उस विभाग द्वारा किए जा रहे हैं निर्माण के ऊपर जा कर के बनारस में लगवा दो जा कर के गाजीपुर में लगवा दो है तो मंत्री तो पूरे सभी जिलों का है ना जा कर के प्रतापगढ़ में लगवा दो तो उसकी हैसियत का पता लग जाएगा कि क्या नियम कानून होता है क्या उसकी औकात है क्या हैसियत है आप समझे बड़ा मुख्य बिंदु है जितने निर्माण कार्य अधिकारी बेचारे तो उस विभाग के जानते अधीनस्थ हैं अरे भाई हमारा पत्थर लगाओ तो लगाई दे और यहाँ तो जो आज हमने दैनिक जागरण में भी पढ़ा और अमर ग्राम पंचायत के पैसे से बनाए गए निर्माण को उस पर मंत्री का कोई अपना नाम थोपने का कोई अधिकार नहीं। अब आगे आइए नियम यह है कि कोई भी मंत्री हो वो विधायक एमएलए है एमएलसी भी होता है उसको विधायक निधि उसको मिलती है नियम यह है कि उसके विधायक निधि से जो भी पैसा आया है निर्माण के लिए उस पर उसका अपना नाम क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ उसी के साथ मैं और वो समझ रहा हूँ क्या वर्डिंग लिखूँ क्या सब इकट्ठा अगर आपको मिले आप क्या इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया जाएगा लोकसभा में एकदम उठाएंगे लोकसभा में अभी सुनिए सुनिए जहाँ तक उसका जवाब दे दूँ लोकसभा में एकदम उठाएंगे इसके पहले कई टॉपिक हैं हमारे लोकसभा में उठाने को आप जानते हैं उसमें रोज 6 बजे तक देते हैं तो लास्ट ही होता है 20 लोग बोलने का मौका मिलता है तो अपने मुद्दे हैं इसको भी मुद्दे हैं ये अपने ये एक तरह से लोकसभा में उठाने लायक उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जब अगर सब जरूरी मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे कुछ नहीं बचेगा तो इसको उठा देंगे जहाँ तक FIR करने का सवाल है थोड़ा जो मैं करता हूँ उसको करता हूँ ठीक से करता हूँ करूँगा लेकिन FIR इस समय दर्ज होगी आप जानते हैं लेकिन किसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे सुन लीजिए ना ना नहीं नहीं हम करेंगे हम ईमेल से करेंगे हम उसको भेजेंगे हम 156(3) भी करेंगे लेकिन अब दर्ज होगी इसके बारे में मुझे संशय है इस BJP के गुंडागर्दी वाले राज्य में आप समझ लेकिन हाँ एक दिन जरूर दर्ज हो आने दीजिए शायद वो दिन आ जाए एक और इस और कार्रवाई भी होगी मैं आप लोगों को अभी जो मैं कुछ सलाह लगा रहा हूँ मैं कितनी रीड की हड्डी है उस पर डिपेंड करता है ना कायदे से तो मेरे FIR को खुद देखना चाहिए कोर्ट के आर्डर के विषय लेकिन क्या होता है भगवान का भेजेंगे के साथ करना पड़ रहा है कि उस आदमी को कुछ विज्ञान नहीं केवल घीघा मुस्ती गुंडई शासन के बल पर मतलब हाई हैंडेडनेस करना इनको छोड़ करके और उसको कोई ज्ञान है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो आदमी तो ये तो सड़क का छोड़ दीजिए जो ग्राम प्रधान अपने लेवल से जो काम कराता है उस पर भी उसका बोर्ड लगा हुआ है जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए ग्राम का बोर्ड लगे रहना चाहिए लेकिन तरह तरह के उसमें एक क्वेश्चन है कुछ तो ग्राम प्रधान को भी बुला लेते हैं चलिए मंत्री जी के साथ लेकिन ग्राम प्रधान का भी एक स्वाभिमान है और इसमें कोई डाउट का सवाल नहीं है दूर दूर
अगर जो पूछना चाहे उसको सवाल करे कि क्या तुम भाई अपना जो उद्घाटन किए हो उत्तर प्रदेश सरकार की भारत सरकार की वेबसाइट पर लोड करवा दिया है तो आपको क्लियर पता लग गया है। तो इसमें थोड़ा खाल मेल करने की जरूरत नहीं है पत्रकार बंधुओं को, बड़ा क्लियर कट है। और वो अपना कोई कुछ भी करे, मतलब वो सांड की तरह खेत में चरता रहे, लेकिन मेरे खेत में चरेगा तो मैं उसको डंडा मारूंगा। मैं बता देता हूँ, वो सांड की तरह, जैसे अभी सब बीजेपी के साड़ी हैं, सांड की तरह चरता रहे जहाँ जहाँ सत्ता के बल पर चर सकता है, लेकिन अगर मेरे खेत में चरेगा तो श्याम सिंह यादव अपने अधिकारों की रक्षा करेगा, डंडा मारेगा उसको। डरने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है। और आगे की भी बात सुनिए, हमारे कहाँ कहाँ संदेह रह जाता है किसी को, चाहे चैनल वाला हो चाहे अखबार वाला हो न्यूज मीडिया वाला है, संदेह कहाँ रह जाता है? आप पता तो करो, आप लोग खोजी पत्रकार होना चाहिए कि हमारे पत्थर को तो डिपार्टमेंट ने लगाया, हमारे पत्थर को हमारे सरकारी विभाग ने लगाया, और उसके पत्थर को उसके गुर्गे ठेकेदारों ने जो लगाया, अब वो 18,000 रुपया 20,000 रुपया उससे डिपार्टमेंट के एक्सियन को एई को तंग करके मांग रहे हैं। मैं आपको एकदम सामने बोल रहा हूँ, आप इसका पता करिए, आप देख लीजिए कि वो आदमी क्या कर रहा है। इसके भी आगे बोलूं, वो एक दिन ले ही लेंगे उसके। आपके संसदीय क्षेत्र में और भी कोई विधायक है जो ऐसा कृत्य किए हैं कि आपके? केवल गिरीश यादव और रमेश मिश्रा दोनों बीजेपी के विधायक, और ये बीजेपी की ठेंगा मुस्ती गुंडागर्दी साबित कर रहे हैं। नहीं तो क्या क्या आप एफआईआर कराएंगे उनके खिलाफ? एकदम कराएंगे। रमेश मिश्रा पढ़वी में और एक जो अब उनका क्षेत्र है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी।